सब्सक्राइब कीजिए प्रकाश एसोसिएशन सर यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को कर लीजिए एक्टिवेट ताकि इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल प्रकाश एसोसिएशन सर्च में। दोस्तों, पिछली बार की वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत के कुछ रहस्यमय मंदिरों के बारे में, जिन्हें हम भारत की विरासत भी कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उत्तराखंड की विरासत चमोली के बारे में, और साथ में हम बात करेंगे चमोली में स्थित फूलों की घाटी की, जिसका स्थान विश्व की धरोहरों में से एक है। और साथ में हम जानेंगे चमोली में स्थित दूसरे पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो उत्तराखंड में चमोली पार्ट 1 विद प्रकाश एसोसिएशन सर्च। चमोली उत्तराखंड राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित एक जिला है, जिसका मुख्यालय गोपेश्वर है और यहाँ की जनसंख्या करीब 4.5 लाख है, जबकि चमोली का क्षेत्रफल 3525 वर्ग मील है। चमोली की प्राकृतिक सौंदर्यता पूरे विश्व भर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमोली में ही स्थित है 7वीं और 8वीं सदी का सबसे बड़ा शिव मंदिर। चमोली उत्तराखंड की विरासतों में प्रमुख है। चमोली एक पर्यटन स्थल भी है और एक धार्मिक स्थल भी है, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चमोली में स्थित फूलों की घाटी द वैली ऑफ फ्लावर्स की। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है फूलों की घाटी, जहां अनेक प्रकार के असंख्य फूल हैं। इन्हीं फूलों के लिए इसे कहा जाता है द वैली ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ पौधों की करीब 521 प्रजातियां पाई जाती हैं। फूलों की घाटी के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इसे एक अंग्रेज पर्वतारोही एस स्माइथ ने देखा था, जो अपने भटके हुए साथियों की तलाश कर रहा था। लेकिन जब वह फूलों की घाटी पहुंचा तो इन जंगली फूलों को देखकर हैरान रह गया था। कुछ दिन यहां ठहरने के बाद एस स्माइथ वापस इंग्लैंड चला गया और करीब 6 वर्ष बाद वह अपने दोस्त R.L. हार्डवर्थ के साथ वापस लौटा और इन फूलों का अध्ययन किया। बाद में उसने इस घाटी के बारे में एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम उसने द वैली ऑफ फ्लावर्स रखा था। इसी पुस्तक को पढ़ने के बाद सन 1939 में एडिनबर्ग बॉटनिकल गार्डन ने मार्गरेट लेगी नामक एक वनस्पति शास्त्री को यहाँ भेजा। मार्गरेट लेगी ने यहाँ करीब 1 साल तक अध्ययन किया, लेकिन एक दिन चट्टान में पैर फिसलने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भी लोग यहाँ आते जाते रहे और 1982 में सरकार ने इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया, जबकि 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व की विरासत की श्रेणी में शामिल कर दिया। दोस्तों, फूलों की घाटी के बारे में दूसरी कहानी है कि पौराणिक कथाओं में लिखा गया है हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ संजीवनी बूटी लेने आए थे। इस घाटी में करीब 521 पौधों की किस्म है। दोस्तों, अगर आप भी कुछ स्पेशल जानते हैं चमोली में स्थित फूलों की घाटी के बारे में, तो आप अपने थॉट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि हमारा फेसबुक पेज प्रकाश एसोसिएशन सर्च लाइक करना है, जिससे आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं और अपने विचार शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था चमोली में स्थित फूलों की घाटी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर का, जिसे यूनेस्को ने विश्व की विरासत की सूची में शामिल किया है। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में ही स्थित है नंदा देवी बायोस्फीयर, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वनस्पति और जैव विविधता के लिए। और साथ में यह बायोस्फीयर प्रसिद्ध है मोनाल, हिम तेंदुए, कस्तूरी मृग और इसी तरह के अनेक पशु पक्षियों के लिए। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत सरकार ने 6 नवंबर 1982 को इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया था, जबकि दिसंबर 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व की विरासत की सूची में शामिल किया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की एक और विरासत की, जिसे यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया है, और यह सांस्कृतिक धरोहर है रम्माण। दोस्तों, रम्माण एक उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल बैसाख के महीने में आयोजित किया जाता है। रम्माण इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें रामायण से जुड़े प्रसंगों की शैली आयोजित की जाती है, जैसे कि स्वाग, देव यात्रा, लोकनाट्यम और बुग्याल देवता की पूजा भी इस उत्सव में की जाती है। सन 2008 में IGNCA
यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने दिल्ली में रामायण अंकन, मंचन और वाचन विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया। इसी सम्मेलन में रामायण को भी अपनी प्रस्तुति दिखाने का मौका मिला। इसके बाद ही रामायण की प्रस्तुति को काफी सराहना मिली। बाद में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने चमोली के सलूण गांव में जाकर संपूर्ण रामायण का अभिलेखीकरण किया और इसकी जानकारी और तथ्यों को प्राप्त करके इसे विश्व की धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव भेजा। इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने आबूधाबी में हुई बैठक में इस उत्सव को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित कर दिया था। दोस्तों, चमोली उत्तराखंड की एक विरासतों में से एक है। आज हमने इस वीडियो में चमोली में स्थित कुछ विरासतों के बारे में जाना, तो अगली वीडियो में भी हम बात करेंगे चमोली में स्थित कुछ और विरासतों के बारे में। तो अगर आप भी हमारी इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम विथ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।